या वर्दी दो। अग्निपथ स्कीम ने युवा कर दिया बर्बाद। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। सरकार को सिर पर बिठाने वाले अब सड़कों पर उतरे। दिल्ली तक जाएंगे, चांद जाएंगे। अग्निपथ स्कीम के लागू होने के बाद हंगामा। हम मरे हुए समान हैं, हमारी सांसें छीनी गई हैं। देखिए कैसे युवा दे रहे हैं केंद्र सरकार को चुनौती। सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़ कर वन रैंक वन पेंशन के नाम पर वोट मांगा था। देखिए क्यों सरकार के फैसले से खफा है देश का युवा। ये गुस्सा देश के युवाओं का केंद्र सरकार के खिलाफ है और ये मुखालफत सरकार के गले की फांस न बन जाए। वन रैंक वन पेंशन के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में बैठी बीजेपी ने जो फैसला अग्निपथ स्कीम के नाम पर लिया है वो फैसला अब सरकार के लिए ही परेशानी का कारण बनता जा रहा है। दिल्ली से लेकर दमन तक हर जगह प्रदर्शन का माहौल है, कहीं पुतला फूंका जा रहा है और कहीं युवा मौत को गले लगा रहे हैं। सरकार का एक फैसला एक बार फिर पूरे देश में बवाल मचा रहा है और सरकारी मातहत इसे सही करार देने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तो युवाओं ने अर्थी दो या वर्दी दो किनारे के साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीओडी भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़ कर वन रैंक वन पेंशन के नाम पर वोट मांगा था और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? दिल्ली तक जाएंगे, चांद जाएंगे अगर नहीं पहन रहे तो। अपनी जान करेंगे। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, अर्थी दो या वर्दी दो। और दूसरी बात, हमारी अगर नई बात माने हम यहाँ से रोड से उठेंगे नहीं, चाहे आज हटाओ चाहे कल हटा जाएंगे। हम मरे हुए समान है, हमारी सांसें छीन ली गई है। छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के और भी हिस्सों में यही हालात देखने को मिल रहे हैं। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष भी हल्ला बोल कर रहा है और सत्ताधारियों के खिलाफ युवाओं के गुस्से में अपनी हां में हां मिला रहा है। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के युवा सबसे ज्यादा उग्र और गुस्से में नजर आ रहे हैं। सेना में भर्ती की नई स्कीम को लेकर बिहार में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी छात्रों की कई चिताएं हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि वे सेना में भर्ती के लिए जी जान से मेहनत करते रहे, फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद अगर सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी तो क्या फायदा। केंद्र और राज्य सरकारें भले ही कह रही हों कि अलग अलग मंत्रालयों अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन युवा इससे संतुष्ट नहीं है। उनकी बड़ी चिंता यही है कि 4 साल के बाद आखिर वे लोग क्या करेंगे। ये छात्र इन बातों से भी नाराज हैं कि सेना की अब तक जो भर्ती प्रक्रिया चली आ रही थी उसका फिजिकल होने के बावजूद इनको अब तक सेना की नौकरी नहीं मिली। बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के छात्र अग्निपथ स्कीम के नियम पर नाराज हैं। उनका कहना है कि अग्निपथ स्कीम में 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में सेना में भर्ती किया जाएगा, फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी और ग्रेच्युटी या पेंशन जैसे लाभ भी नहीं मिलेंगे, जो कि उनकी नजर में सही नहीं है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भी भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। ये उन इलाकों में शामिल है जहाँ से बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होते हैं। मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि पिछले 2 सालों से सेना की भर्ती रुकी हुई है। उन्होंने भर्ती के लिए जरूरी फिजिकल टेस्ट भी पास कर लिया, बावजूद इसके उनको नौकरी नहीं मिल रही। इस बीच सेना में नौकरी के नए नियम लाना हताश करते हैं। इसके अलावा कई ऐसे युवा भी हैं जो पिछले 3 सालों से सेना में भर्ती होने की राह देख रहे हैं। कोरोना की वजह से सेना भर्ती बंद रही, अब बड़ी संख्या में युवा ओवरएज हो चुके हैं। इस बीच अब अग्निपथ स्कीम में भी सिर्फ 21 साल की उम्र तक ही अप्लाई किया जा सकता है। ऐसे में युवाओं का कहना है कि अग्निपथ पॉलिसी लागू होने के बाद सेना भर्ती की आस लगाकर बैठे ओवरएज युवाओं और सेना के लिए लिखित परीक्षा फिजिकल टेस्ट दे चुके नौजवानों की भी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है।
प्रदर्शन कर रहे छात्र बेहद गुस्से में नजर आए हैं। एक छात्र ने कहा कि हम सेना में जाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते रहे, इसे 4 साल के लिए सीमित कैसे किया जा सकता है, इसमें ट्रेनिंग के दिन और छुट्टियां भी शामिल हों। सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग के बाद हम देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, सरकार को इस स्कीम को वापस लेना चाहिए। जहानाबाद में प्रदर्शन कर रहे एक छात्र ने कहा कि हम 4 साल के बाद काम करने कहां जाएंगे, 4 साल की सर्विस के बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे, इसलिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश के नेताओं को समझना होगा कि जनता जागरूक है। साथ ही उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा कि अगर 4 साल के लिए सेना में भर्ती की जा रही है तो फिर नेताओं को भी अपने इलेक्शन लड़ने के नियम कायदों में बदलाव करना चाहिए, और ये सिर्फ 4 महीने के लिए चुनाव के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने, साथ ही इनके पेंशन और सारे भत्ते खत्म कर देने चाहिए। अगर नेताओं को लगता है कि पेंशन और भत्ते रोक देने भर से देश की सुरक्षा हो जाएगी तो फिर ये घर में रहकर किस बात के हकदार हैं, इन्हें भी अपने सारे भत्ते नहीं लेने चाहिए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के सवाल वाजिब हैं और छात्रों के सवालों के जवाब देने वाले लोग मौन होकर बैठे हैं। देखना यह है कि सरकार अब मामले पर क्या फैसला लेती है। इस बीच कई युवाओं की तरफ से आत्महत्या करने के भी मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।